हिंदी टेक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पे क्लिक करें और ये बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अकरम, हिंदी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हुआवे का ओनर 6X 32GB वेरिएंट वाला 3GB रैम के साथ उसको अनबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा। इसकी बॉक्स की बात करें तो मैंने 2-3 साल पहले हुआवे ओनर 6 लिया था, सेम टू सेम बॉक्स वैसा ही बॉक्स है, कोई अपग्रेड नहीं है। ओके, इसमें आपको 3GB की रैम, 32GB रोम, एंड्रॉइड 6.0 मार्क मेलो पर चलता है। ड्यूअल कैमरा है, 12 MP प्लस 2 MP फ्रंट कैमरा, आपको 8 MP कैमरा मिलेगा 4G रेडी के साथ, LTE सपोर्ट करता है और रिलायंस जियो भी आप काम करेगा, लेकिन आपको अपग्रेड कराना होगा, उसके बाद ही रिलायंस जियो काम करेगा। ओके, तो फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। देखिए ये जो इसका पीछे वो सामने से वाइट कलर एकदम मिलता है और पीछे सिल्वर कलर। मैं गोल्ड कलर से बोर हो चुका हूँ, जो भी मैं रिसेंटली मैंने जितने भी फ़ोन लिए सब गोल्ड कलर, रोज़ गोल्ड कलर, इसलिए मैंने इस बार सिल्वर कलर पसंद किया है। ओके, ये हुआवे का वारंटी कार्ड आपको मिलता है, यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल, यहाँ गाइड है। ओके, तो इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे कुछ सिम कार्ड इंजेक्ट पिन दिया गया है, उसके बाद एक ये बार कोड, यहाँ पे एक अडैप्टर मिलता है आपको चार्जिंग का, जो 5V टू 2A का आउटपुट इसमें से मिलता है आपको, और उसके बाद यहाँ पे एक USB केबल डेटा शेयरिंग और चार्जिंग के लिए। इस फ़ोन में आपको हेडफोन नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर मैंने अमेजोन से जितने भी फ़ोन खरीदे हेडफोन नहीं मिलते। मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट से एक लिया है ओप्पो F1S का, उसमें हेडफोन मुझे मिला है। ज़्यादातर फ़ोन में आपको अमेजोन में हेडफोन नहीं मिलेगा, मैंने बहुत सारे फ़ोन लिए हैं, लेकिन मैंने iPhone 6X जो लिया था रोज़ गोल्ड कलर, उसमें मुझे मिला था हेडफोन। तो इसको ओपन करते हैं। देखिए ये 5.5 इंच की डिस्प्ले है, इसमें आपको मिलती है, तो ये स्टिकर को पहले ओपन करते हैं। देखिए यहाँ नीचे आपको स्पीकर मिलता है आईफोन की तरह, यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर और ऑन ऑफ बटन दिया गया है, ऊपर 3.5 mm जैक, यहाँ पे माइक और यहाँ पे सिम ट्रे दिया गया है, मेमोरी कार्ड और सिम ट्रे एक ही जगह पे लगेगा। यहाँ पीछे की तरफ आपको दो कैमरा मिलता है, 12 MP प्लस 2 MP, और एक फिंगरप्रिंट सेंसर है LED फ्लैश के साथ। ओके, सामने की बात करें तो आपको 8 MP कैमरा और सेंसर आपको मिलता है। तो चलिए इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। ये फ़ोन की जो वज़न की अगर बात करें तो 160 ग्राम की इसकी वज़न है, इसका वेट है, जो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि भारी है, एकदम हल्का ही लगेगा आपको। और ये इनबिल्ट आपको बैटरी मिलेगा इसमें, नॉन रिमूवेबल है, आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, ये फ़ोन में ओटीजी USB ओटीजी है वो सपोर्ट करता है। तो फटाफट मैंने फिंगरप्रिंट को मैंने सेटिंग कर लेते हैं, देख लेते कितनी फास्ट में ये सपोर्ट करता है, अनलॉक होता है फ़ोन। देखिए मैंने इनेबल कर दिया है, मैं इसको ऑफ करता हूँ, खाली सिर्फ टच करना है आपको पीछे फिंगरप्रिंट पे, तो ये चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। देखिए सिर्फ टच करना है आपको, कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है। ज़्यादातर मुझे जो अच्छा लगता है फिंगरप्रिंट सामने होना बेटर है, जैसे आईफोन में होता है, जो मैंने ओप्पो F1S लिया है उसमें भी सामने फिंगरप्रिंट है, लेकिन पीछे भी हो तो कोई वांदा नहीं, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ओके, तो इसमें एंड्रॉइड वर्जन जो है 6.0 मार्च मेलो मिलता है। नुगट की कोई अपडेट की कोई खबर अभी आई नहीं है, अगर अपडेट आएगी तो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। CPU इसमें आपको Kirin 655 का मिलता है, 1.7 GHz प्रोसेसर, 3GB रैम के साथ दो वेरिएंट आपको मिलेंगे, 4GB रैम वाला भी आप ले सकते हो जिसकी प्राइस है 13,000 रुपये। कलर की बात करें तो आपको गोल्ड कलर मिलेगा, सिल्वर कलर मिलेगा, ग्रे कलर। और रोम की बात करें, मेमोरी इनबिल्ट जो आती है वो 32GB और 64GB दो वेरिएंट में आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए वन हैंड UI का ऑप्शन भी दिया गया है, मतलब एक हाथ से भी आप बड़ी आसानी से फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हो, सिर्फ आपको ये सेटिंग जो है इसको ऑन करना है। देखिए मैं ऑन कर दिया, और नीचे से आपको स्लाइडली
राइट पे अगर लेना है तो राइट पे कर लेंगे, लेफ्ट पे लेना है तो लेफ्ट पे आपको ड्रैग करना है। ओके देखिए सेम टू सेम थोड़ा छोटा स्क्रीन आ गया है, आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। ओके और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, गेस्चर का ऑप्शन दिया गया है, स्मार्ट असिस्टेंट दिया गया है, डेटा ट्रैफिक मैनेजमेंट, यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब, इमरजेंसी सर्विस दी गई है और काफ़ी कुछ। मतलब ओप्पो का जो मैंने लिया था सेम टू सेम ही सेटिंग है, उसमें भी मार्शमेलो मिलता है, मतलब सेम सेटिंग आता है ज़्यादातर फ़ोन में एंड्रॉइड के। ओके देखिए मेनू आपको यहाँ होम स्क्रीन पे ही मिलेगा। कैमरा कैमरा की बात करें तो आपको आउटडोर में अच्छी क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन इंडोर में इतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आती। इसकी यही एक खामी है कि लो लाइट में इतनी अच्छी कैमरा की फ़ोटो है जो क्लियरिटी है वो नहीं आती। कैमरा में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे लाइट परफॉर्मेंस, वीडियो, प्रो वीडियो और भी बहुत सारे फीचर है, ब्यूटी मोड दिया गया है। यहाँ सामने कैमरा भी बहुत ही बढ़िया है, अच्छी क्लियरिटी है सेल्फी लेने के लिए। इसमें जो गुड है इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ऐप और गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसमें अच्छी है, बैटरी लाइफ भी बढ़िया है, राइट ब्राइट एंड साफ डिस्प्ले है, एक्यूरेट फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आपको ये मिलता है। इसमें जो बैड है जो कौन से उसकी बात करें तो आपको USB टाइप सी चार्जिंग नहीं मिलता है और एवरेज लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है और हाइब्रिड सिम आपको स्लॉट मिलता है। ओके और भी यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शन दी गई है हेल्प, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हो। ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए, नई टेक वीडियो मैं रोज अपलोड करता हूँ, तो आप अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, फ्री है, कोई चार्जेस आपको नहीं लगेगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको थैंक यू फॉर वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। ओके तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।